दांतों में दर्द काफ़ी कारणों से उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके दांतों में कैविटी बनी हुई है जिसके कारण भी दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर आपके दांतों में इन्फेक्शंस हो चुके हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शंस हो चुके हैं, पायरिया की प्रॉब्लम है, या तो फिर आपने अपना दांत निकलवाया हो, काफ़ी ऐसे वजह हैं जिसके कारण दांतों में दर्द उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी वह दर्द असहनीय हो जाती है जिसे इमीडिएट कम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके दांतों में दर्द काफ़ी समय से बना हुआ है तो आपके जबड़े कभी कभी सूज जाती हैं, यानी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वैसे दर्द को इमीडिएट कम करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो आपके दर्द को इमीडिएट कम करता है, लेकिन उन सभी मेडिसिन्स में से 5 ऐसे मेडिसिन्स हैं जो आपके दांतों के सभी दर्दों को काफ़ी तेज़ी से कम करता है। तो आज इस वीडियो में दांतों के उन 5 मेडिसिन्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो आपके दर्द को काफ़ी तेज़ी से कम करता है। लास्ट में मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करूंगा जो आपके दर्द को काफ़ी तेज़ी से कम करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो लाइक ज़रूर करें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। अगर आपके दांतों में किसी भी कारण से असहनीय दर्द है, चाहे वो कैविटी के कारण हो, मसूड़ों में स्वेलिंग के कारण हो, दांतों में इन्फेक्शंस के कारण हो, या तो फिर पायरिया के कारण हो, या तो फिर आपने कभी अपने दांतों को निकलवाया हो जिसके कारण हो, अगर आपके दांतों में किसी भी प्रकार से असहनीय दर्द है तो उस दर्द को इमीडिएट कम करने की जो पहली मेडिसिन है वो है पारासीटामोल एंड ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन फॉर्म की मेडिसिन है। हालांकि पारासीटामोल एंड ट्रामाडोल दोनों ही एक ओपोइड एनाल्जेसिक है जिसका वर्क पेन सिग्नल को ब्लॉक करने का होता है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो वो दर्द, जो दांतों के जो दर्द होते हैं, वो एक तरह के पेन सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन के पास, जिसके कारण हमें दर्द का एहसास होता है। उसी पेन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है पारासीटामोल एंड ट्रामाडोल। ये काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है इमीडिएट पेन को कम करने के लिए, यानी आपके दर्द को तुरंत कम करने की ये काफ़ी बेहतर मेडिसिन मानी जाती है। तो हालांकि इसके डोजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो डोजेस हैं वो 10-15 mg पर केजी पर डे एवरी 4-6 आवर। अगर आप एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं और आपका दर्द 4 घंटों में वापस नहीं आता है तो आप इसका इस्तेमाल दोबारा उसी वक्त करें जब आपका दर्द वापस आना शुरू हो जाए। अगर आपका दर्द एक टैबलेट में ही ख़त्म हो जाता है तो आप इसे दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर मान लिया जाए आप एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं और 4 घंटों के बाद फिर से आपका दर्द वापस आ जाता है तो आप 4-6 घंटे में भी दोबारा उस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक टैबलेट में मान लिया जाए, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सर मैंने एक टैबलेट इस्तेमाल की लेकिन मेरा दर्द ख़त्म नहीं हुआ, तो हो सकता है आपने डोजेस कम ली होंगी। तो इसका जरूर ध्यान रखें, इसके जो डोजेज है 10-15 mg पर केजी पर डे। जो सेकेंड मेडिसिन है वो है आइबुप्रोफेन। ये भी काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है आपके दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने के लिए। अगर आपके दांतों में दर्द के कारण आपके जबड़ों में सूजन हो चुकी है, आपके मसूड़े सूज चुके हैं, तो उस सूजन को भी काफ़ी तेज़ी से कम करता है आइबुप्रोफेन, क्योंकि आइबुप्रोफेन एक एनसेड्स है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसका काम पेन के साथ साथ सूजन को भी काफ़ी तेज़ी से कम करने का होता है। ये भी मोस्टली उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से पारासीटामोल और ट्रामाडोल करता है। ये भी पेन सिग्नल को ब्लॉक कर पेन को ख़त्म करने का काम करता है। तो अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके डोजेस को नहीं जान पाते हैं। तो इसके जो डोजेस हैं वो 200-600 mg एवरी 4-6 आवर। ये इसका भी इस्तेमाल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से ट्रामाडोल और पारासीटामोल का आप इस्तेमाल करते हैं। अगर एक टैबलेट आप खाते हैं और दर्द वापस नहीं आता है तो दूसरी बार इसका इस्तेमाल न करें। अगर 4-6 घंटे में दर्द वापस आ जाता है तो आप नेक्स्ट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम डोजेज है 1-2 ग्राम एक दिनों में, आप इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करें। और एक टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद दूसरा टैबलेट 4-6 घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। इसके डोजेज हमेशा याद रखें, 200-600 mg इसका डोजेज है एक बार में। आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल मोस्टली उन लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती।
आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है जो किडनी और लीवर की समस्या से परेशान है। अगर आपको किडनी की बीमारी है या तो फिर लीवर की बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो किडनी में स्टोन की समस्या हो या तो फिर इन्फेक्शन की समस्या हो या तो फिर लीवर के प्रॉब्लम से आप ग्रसित हों या तो जॉन्डिस की समस्या हो या तो फिर हेपेटाइटिस बी से आप ग्रसित हों, चाहे किसी भी तरीके का समस्या हो, किडनी रिलेटेड या तो फिर लीवर रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको है, तो आप आइब्रोफेन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है इस टैबलेट के इस्तेमाल करने के बाद। आपके दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने की जो थर्ड मेडिसिन है वो भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और उसका नाम डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफेन एंड पैरासीटामोल है। डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफेन भी एक एनाल्जेसिक है एंड पैरासीटामोल भी एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो माइल्ड टू सीवियर पेन को काफ़ी तेज़ी से कम करता है। अगर आपके दांतों में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन रूप से ये भी उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से और सभी पेन किलर्स वर्क कर रहे थे। ये भी पेन सिग्नल को ब्लॉक करता है और पेन को ख़त्म करने का काम करता है, लेकिन इसके जो डोजेज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके जो डोजेज़ हैं वो 500 mg एवरी 6 आवर आप ले सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से और मैंने दो मेडिसिन के बारे में बताया है। अगर एक टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद दर्द वापस नहीं आ रहा है तो आप इसे दोबारा टैबलेट इस्तेमाल ना करें। अगर दर्द 6 घंटे बाद वापस आ जाता है तो आप दोबारा इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो 500 mg एवरी 6 आवर एक टैबलेट लेने के बाद आप 6 घंटे बाद ही दूसरा टैबलेट इस्तेमाल करें। चिल्ड्रन में जो इसका मैक्सिमम डोजेज है वो 250 mg टू 500 mg का है, यानी 250 mg 6 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, क्योंकि 6 साल से नीचे के बच्चों में इस टैबलेट का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है, तो 6 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उसमें 250 mg एक बार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 6 घंटे बाद एवरी 6 आवर के बाद आप इसका 250 mg इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने के लिए। आपके दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने की जो फोर्थ मेडिसिन है वो भी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और उस कॉम्बिनेशन में जो मिले हुए हैं वो कोलिन सेलिसाइलेट, सेट्रीमाइट, टैनिक एसिड एंड लिग्नोकेन का कॉम्बिनेशन है। ये मोस्टली जेल में और सॉल्यूशन में अवेलेबल है जो आपके दांतों के दर्द को काफ़ी तेज़ी से कम करता है। अगर आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है आपको आपके मसूड़ों से, ये मोस्टली पायरिया के केसेस में ज़्यादा देखा गया है कि मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो अगर आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, आपके दांतों में काफ़ी तेज़ दर्द है, तो आप इस जेल और सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ब्लीडिंग जो हो रही है, मसूड़ों से जो ब्लीडिंग हो रही है उसे भी ख़त्म करेगा और अगर आपके दांतों में काफ़ी तेज़ दर्द है उस दर्द को भी काफ़ी तेज़ी से कम करेगा। तो मोस्टली इसके जो डोजेज़ हैं वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़्यादा पेन और कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कितने समय तक और कितनी जल्दी जल्दी आपको इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप हमेशा याद रखें, लिग्नोकेन, सेट्रीमाइड, टैनिक एसिड एंड कोलिन सेलिसाइलेट, ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है ब्लीडिंग गम एंड पेन में। जो नेक्स्ट और फिफ्थ मेडिसिन है वो है नेप्रोक्सन, ये भी काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने के लिए। ये एक एनसेट्स है यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये मोस्टली प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल को प्रोडक्शन से रोकता है जो दर्द उत्पन्न करता है और स्वेलिंग उत्पन्न करता है। तो नेप्रोक्सन भी एक काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने के लिए। इसके जो डोजेज हैं वो मोस्टली रिकमेंडेड डोज 500 mg वंस टाइम, यानी अगर आप नेप्रोक्सन टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 mg के एक टैबलेट एक बार में इस्तेमाल करना है और इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है 250 mg एवरी 6 आवर, यानी एक डोजेज आपको 500 mg के लेने हैं, उसके बाद 6 घंटे बाद 250 mg रेगुलर तौर पर आपको इसका इस्तेमाल करना है।
है। अगर आपको 500 mg से ही दर्द खत्म हो जाती है तो आपको दोबारा इस टैबलेट को लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको दर्द वापस आ जाता है तो आप जब भी दोबारा इस टैबलेट को 6 घंटे बाद इस्तेमाल करें तो 250 mg में ही इस्तेमाल करें। तो इसके जो डोजेज़ हैं 500 mg रिकमेंडेड डोज है वंस अ टाइम, एंड उसके बाद जो रेगुलरिटी करनी है टैबलेट्स में 250 mg एवरी 6 आवर। तो ये मोस्टली पेन किलर्स थे जो आपके दांतों के दर्द को केवल कम करता है, ये आपकी बीमारियों को ख़त्म नहीं करने जा रहा है। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शंस है या तो फिर आपके दांतों में कैविटी बनी हुई है तो उस इन्फेक्शंस को ख़त्म नहीं करने जा रहा है। उस इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए आपको अलग से एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो सकती है, और उस एंटीबायोटिक में क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। अगर आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल, या तो फिर क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल करें या तो फिर मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करें, इस एनसेट्स पेन किलर्स के साथ में करते हैं, तो ये इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करेगा और आपके दांतों के दर्द को भी ख़त्म करेगा और स्वेलिंग को भी ख़त्म करेगा। आपके दांतों के दर्द को इमीडिएट कम करने की जो लास्ट मेडिसिन है वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और उस मेडिसिन का नाम है क्रियाजुटम। ये एक मदर टिंचर मेडिसिन है, यानी क्यू फॉर्म की मेडिसिन है। ये एक लोशन के रूप में काम किया जाता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल लोशन के रूप में किया जाता है। एक कॉटन में ले करके इस मेडिसिन को, अगर आपके दांतों में कैविटी बनी हुई है और उसमें काफ़ी तेज़ दर्द है और उस दर्द के कारण आपके जो जबड़े हैं वो सूज गए हैं, मसूड़ों में सूजन हो चुकी है, तो उस कैविटी में उस दवा को कॉटन के साथ में लेकर के लगाया जाता है, यानी भर दिया जाता है। तो अगर आप उस दवा को अपने कैविटी में लगाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से पेन को कम करता है, और पेन के साथ साथ हो सकता है ये आपके इन्फेक्शंस को भी कम कर दे। दांतों में जो इन्फेक्शंस बनी हुई है जिसके कारण दांत दर्द कर रहे हैं, स्वेलिंग हो चुकी है, तो उस इन्फेक्शंस को भी खत्म करता है क्रियाजुटम क्यू, यानी मदर टिंचर की जो मेडिसिन है, काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथिक में। क्रियाजुटम क्यू, इस नाम को हमेशा आप याद रखें। तो इसे आप रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपके दांतों में जो कैविटी है और कैविटी में जो इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम हो रहा है उस इन्फेक्शंस को भी ख़त्म कर दे, आपके दर्द को भी ख़त्म कर दे और आपके स्वेलिंग को भी ख़त्म करता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके।